कहीं ये विष्णु भाई की गर्लफ्रेंड तो नहीं है। 100 रुपया हमरा से ले लीजिएगा, ये वाला काट दीजिए। आपके ऊपर तो लड़कियों का लाइन लगा होगा महाराज। हाँ एकदम सही बोले, पापा का टेंशन से दिमाग फटे जा रहा है, बोल रहे हैं कि बेटा इतना बेटी के दहेज कैसे देंगे, क्या सब लड़की भैया बोल चुकी है। क्या भैया बोल चुकी है? दोस्तों बगल में ये जो वीडियो देख रहे हैं ये है विष्णु विशाल। जी हाँ वही विष्णु विशाल जो टिकी पे काफी ज्यादा वायरल थे और मतलब एक अलग ही कॉमेडी वीडियो बनाते थे अपने वॉइस में और इंस्टाग्राम पे भी ये काफी ज्यादा वायरल है। तो हमने सोचा कि चलिए आज इनका थोड़ा सा इंटरव्यू लिया जाए, वो भी फोन पर। तो पहली बार ये मेरा एक्सपीरियंस है फोन पर किसी का इंटरव्यू, तो मेरे पास उनका नंबर है तो मैं सोच रहा हूँ कि उनका आज थोड़ा सा इंटरव्यू लेते हैं। ठीक है तो फोन लगा दिया उनको मैं। ये हेलो, सो गाइज हेलो। हाँ विष्णु भाई। हाँ पिंटू भाई, क्या हाल चाल? बढ़िया भाई, अपना बतावा ना। एकदम बढ़िया एकदम बढ़िया। और कहाँ है? अभी तो शूट करके जा ही रहे थे, रास्ता में है। वाह क्या बात है, बहुत मेहनत कर रहे हैं। अरे क्या करे, मेहनत तो अपना बचपन से ही आदत था और प्लस में लोगों का इतना प्यार मिल रहा है भाई तो करना पड़ेगा ही। नहीं बिल्कुल प्यार मिलना चाहिए, और क्योंकि क्रिएटर के लिए और क्या जरूरी होता है, बस लोगों का प्यार चाहिए, है ना? वो तो है, लोगों का प्यार चाहिए। प्यार अच्छा आपको जी बिल्कुल, आपको एक चीज बता दें कि अभी अभी हम आपका इंटरव्यू छोटा सा लेना चाह रहे थे। इंटरव्यू मेरा? जी जी। अरे क्या बात कर रहे हैं पिंटू भाई, हमारा और इंटरव्यू? अरे क्या बात करते हैं, आप कोई छोटे मोटे आदमी थोड़ी है, मतलब पूरा टिकी पे तो स्टार थे ही और आपने इंस्टाग्राम पे भी आग लगा के रखा है एकदम से। अरे नहीं आग लगा के क्या है, बस सब आप लोग का ही मेहरबानी है। अच्छा नहीं हम लोग का क्या मेहरबानी, हम लोग तो आपके फैन है। अरे बाप रे फैन? हाँ तो आइए ना पिंटू भाई, गर्मी बहुत ज्यादा है। अच्छा अरे सब भाई हैं, दोस्त हैं यार, फैन वैन है तो पता नहीं बड़े लोग सोचते होंगे। अच्छा लेकिन हम तो सबको भाई और दोस्त मानते हैं, अब ये नहीं कि डायलॉग हम बोल रहे हैं, नहीं दिल से मानते हैं। अच्छा दिल से मानते हैं, दिल से मानते हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। और बताइए ना? सब एकदम बढ़िया। और बताइए, अच्छा एक बात हमको बहुत खटक रहा था। खटक रहा था, पूछिए ना। सोच रहे थे पूछे कि नहीं पूछे। अच्छा वो अपना छोटा भाई से कोई बात भी नहीं पूछ सकते? नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। अच्छा एक बात बताइए ना, वो जो आपके साथ लड़की एक जो वीडियो में रहती है हमेशा देखने को मिलता है, वो भी काफी फनी है एकदम से, वीडियो में आपके साथ काम करती है, कौन है वो? वन मिनट। हाँ क्या बोल रहे थे पिंटू भाई? वो जो लड़की आपके साथ जो वीडियो में रहती है कौन है वो? पिंटू भाई जैसा कि हम पूरा एक्सप्लेन करें, ठीक है? अच्छा वो एक वीडियो पार्टनर भी है। अच्छा। अच्छी दोस्त भी है, अच्छी क्लोज फ्रेंड भी है। अच्छा। और लोगों को जो सोचना है वो भी है। अच्छा मतलब क्या सोचना है, जैसे में क्या समझा जाए? आप क्या सोचते हैं? मतलब हमको तो जो जितना हमेशा स्टार्टिंग से देख रहे हैं कि वो आपके साथ काम कर रही है, आपके साथ हर वीडियो में रह रही है, तो कहीं ना कहीं लोगों को थोड़ा सा ये रहता है क्या कि कहीं ये विष्णु भाई की गर्लफ्रेंड तो नहीं है? 100 रुपया हमरा से ले लीजिएगा, ये वाला काट दीजिए। तब तो ये पक्का चलेगा। 100 रुपया लेके ये वाला स्क्रिप्ट डालो, काटिए जल्दी। तो मतलब अच्छा, लेकिन एक चीज बताइए, आप इतना फनी फनी वीडियो कैसे बना लेते हैं? अरे वो कहा है ना कि बस माइंड में आ जाता है और इधर उधर से देखते हुए कुछ करने को सोचते हैं तो कर डालते हैं अपना दिमाग से। अच्छा अच्छा आपका टारगेट क्या है, थोड़ा सा जान सकते हैं क्या? टारगेट तो फिक्स नहीं है। अच्छा जहाँ तक जाए गाड़ी वहाँ तक चलाएंगे। मतलब फिर भी एक एम होगा, कहाँ भोजपुरी इंडस्ट्रीज में जाना है या फिर कुछ और करने के बारे में सोच रहे हैं? रही बात इंडस्ट्री की तो सब इंडस्ट्री बहुत ही अच्छा है। अच्छा। सबका अलग अलग काम है, सबका अलग अलग फैशन है, तो हम तो ज्यादातर मेरा फेवरेट इंडस्ट्री है जो कि बॉलीवुड। अच्छा अच्छा एक बात बताइए, अगर किसी लड़की के साथ काम करना पड़े तो आप कौन से क्रिएटर के साथ काम करना चाहेंगे? क्या बोले, थोड़ा कट रहा था। कह रहे अगर प्रीति जी के साथ, अगर उनके अलावे अगर किसी क्रिएटर के साथ काम करना पड़े तो आप किनके साथ करना चाहेंगे? हम? हाँ
हम पर्सनली किसी को ये नहीं कहेंगे कि हम उसके साथ करेंगे, जो भी किरदार हमें मिल जाएगा उसके साथ कर लेंगे। अच्छा मान लीजिए कहीं भोजपुरी इंडस्ट्रीज में आपको एक मूवी करने का मौका मिले तो आप किस हीरोइन के साथ काम करना चाहेंगे? हम किस हीरोइन के साथ काम करना चाहेंगे? हाँ भैया पहले तो हम बता देना चाह रहे हैं कि हीरो का रोल तो हमको 100% मिलेगा ना, गाना चेहरा हीरो जैसा लगता है। क्या बात कर रहे हैं, हीरो जैसे ही आपको मतलब कि इंस्टाग्राम पर 6-7 लाख फॉलोअर्स हो गया और टीवी पे तो आप आग लगा ही रखे थे एकदम से। बिल्कुल। अच्छा विष्णु विशाल जी, ये जो अभी कहीं ना कहीं अरुण कलर से लड़कियों का लाइन लगा हुआ है, लोग कह रहे कहीं से अश्लीलता नहीं है फिर भी ये गाना वायरल हो गया, ऐसा क्यों? यार उस गाना में क्या भैया बोल चुकी है, सारी बहना है, मैं झूठ नहीं बोलिए मतलब इस लेवल पर है ना। प्रीति जी का डर तो नहीं है, प्रीति जी का खौफ तो नहीं है? अच्छा अच्छा बहुत दिल को सुकून मिलता है, गाना बहुत अच्छा। लेकिन आप रियल लाइफ में भी इतना फनी हो सकते हैं हमको उम्मीद नहीं था। अच्छा मनी मिराज जी का कुछ दिन पहले जो गाना आया था